एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत की जांच कर रही पुलिस शनिवार को दिल्ली के फार्म हाउस पहुंची। कौशिक मौत से एक दिन पहले यहीं होली पार्टी में शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को फार्म हाउस की तलाशी में कुछ दवाइयां मिली हैं। पुलिस फार्म हाउस के मालिक से पूछताछ करना चाहती थी लेकिन वह फरार है। स्टार प्लस के टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट पर शुक्रवार शाम करीब 4 बजे भीषण आग लग गई। नील भट्ट और आयशा सिंह स्टारर इस टीवी सीरियल का सेट मुंबई की गोरेगांव फिल्म सिटी में है। घटना के दौरान सेट पर 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे जहां बच्चों का कोई सीन फिल्माया जा रहा था। घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक्ट्रेस करीना कपूर खान जल्द ही अपने टॉक शो व्हाट वीमेन वांट के नए एपिसोड के साथ वापसी कर रही हैं। शो के नए सीजन में रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, शेफाली शाह समेत कई सेलेब्स बतौर गेस्ट नजर आएंगे। मेकर्स ने 10 मार्च को चैट शो का टीजर रिलीज किया है जिसमें शो में हिस्सा लेने वाले सभी सेलेब्स की झलक नजर आ रही है। प्रभास को पीछे छोड़ अल्लू अर्जुन साउथ सिनेमा के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। संदीप रेड्डी, बंगा और भूषण कुमार की फिल्म के साथ हिंदी डेब्यू करने जा रहे अल्लू अर्जुन ने 125 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की है। इसके साथ ही अल्लू अर्जुन ने फिल्म इंडस्ट्री में एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर दी है।